गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम लेसन 4 कर रहे थे जिसमें हमने कल जो सामूना द्वीप है उसमें किस प्रकार से अंतर पाया जाता था लड़के और लड़कियों में उसको हमने पढ़ा। आज हम 1960 में मध्य प्रदेश राज्य के संदर्भ में अध्ययन करेंगे, अर्थात 1960 के दशक में जो लड़के और लड़कियां थी उसमें किस तरीके की भिन्नता थी, उनके व्यवहार में किस तरीके की भिन्नता थी, इन सब के बारे में हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम बात करें तो कक्षा 5वीं तक जो विद्यालय थे, विद्यालय कॉमन थे, अर्थात जो छोटे बच्चे हैं 5वीं तक के उनके जो विद्यालय हैं वो लड़के और लड़कियां एक साथ पढ़ते थे, तो उनके जो विद्यालय थे वो कॉमन विद्यालय थे। लेकिन साधारण रूप से देखें तो कक्षा 6 से लड़कों के विद्यालय अलग होते हैं तथा लड़कियों के विद्यालय अलग होते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि जो लड़के हैं वो अलग विद्यालय में पढ़ते हैं जबकि जो लड़कियां हैं वो अलग विद्यालय में अध्ययन करती हैं। जब एडमिशन लेंगे वो, ये बात चल रही है 1960 के दशक की, अर्थात जब लड़कियां 5वीं क्लास पास करती थी तो वो एक अलग विद्यालय में एडमिशन लेती थी, अर्थात वो स्कूल लड़कियों का ही होता था, लड़के लड़कों के स्कूल में और लड़कियां लड़कियों के स्कूल में एडमिशन लेती थी। अब देखो जो विद्यालय की परिस्थितियां हैं या उसकी जो संरचना है या उसकी स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से होती थी, तो देखिए कि लड़कियों के विद्यालय में आंगन होता था जैसे घर का आंगन होता है, जैसे घर का आंगन होता है। विद्यालय में भी जो लड़कियों के विद्यालय थे उनके मध्य भाग में एक आंगन होता था, जिस प्रकार घर में एक आंगन होता है उसी प्रकार से जो लड़कियों के विद्यालय थे उसके बीच में भी एक आंगन होता था जिनमें लड़कियां सामूहिक रूप से खेलती थी। लड़कियां अलग तरीके के खेल खेलती है, लड़के अलग तरीके के खेल खेलते हैं, तो जो लड़कियों के खेल थे वो आंगन में बैठकर वो अपने खेल खेलती थी। बात वही अगर हम दूसरी तरफ करते हैं तो जो लड़कों के विद्यालय
लड़कों के विद्यालय के पास में ही, जो बिल्कुल विद्यालय से लगा होता था, तो विद्यालय के पास में ही एक खेल का मैदान था, खेल का मैदान था जहाँ लड़के विभिन्न प्रकार के खेल खेलते थे। लड़कों का जो विद्यालय होता था उसके पास में एक ग्राउंड होता था, एक खेल का मैदान होता था जो बिल्कुल विद्यालय से सटा होता था, बिल्कुल विद्यालय के पास में होता था, और वहाँ पर वो लड़के विभिन्न प्रकार के खेल खेलते थे, जैसे क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल, खो खो, कबड्डी, आदि। तो ये क्या है, विभिन्न प्रकार के जो खेल है वो खेल लड़कों के द्वारा खेले जाते थे। बात साथ ही हम बात करते हैं तो जो लड़कियां हैं, अगर हम विद्यालय से जब छुट्टी हो जाती है उसकी बात करें, तो एक सकरी गली थी, एक सकरी गली थी जहां से लड़कियां गुजरती थी, जहां से लड़कियां गुजरती थी। आप जानते हैं जो लड़कियां होती है वो स्वभाव से गंभीर होती है। स्वभाव से कैसी होती है, गंभीर होती है, अर्थात जैसे ही छुट्टी लगती थी तो वो सीधे ये गली स्कूल से घर जाने का माध्यम था। अर्थात जो लड़कियां थी उनके लिए घर जाने का सीधा माध्यम था ये गली। तो जैसे ही छुट्टी होती थी तो लड़कियां उस गली से अपने घर पे चली जाती थी। और आप जानते हो स्वभाव से कैसी होती लड़कियां, गंभीर होती है, शांत होती है, गंभीर होती है और शांत होती है, शांत होती है, गंभीर होती है, किसी प्रकार का कोई उत्पात नहीं मचाती और शांतिपूर्वक अपने घर को जाती। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं लड़कों की, तो लड़कों का स्वभाव चंचल होता है और वे गली में से मस्ती करते हुए गुजरते थे, जैसे साइकिल के करतब दिखाना, साइकिल चलाते हैं तो साइकिल को सीधे नहीं चलाते, ऐसे ऐसे करके साइकिल को चलाते हैं तो साइकिल के करतब दिखाते हैं, ठीक है। और आवारा घूमना,
गलियों में यूं ही खड़े रहना, इस तरीके से हम ये भेद देख सकते हैं कि जो लड़कियां हैं और जो लड़के हैं उनमें ये भेद कैसे पाए जाते हैं। ओके।